नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजो नारायण। यूपी में इस वक्त पंचायत चुनाव का शोर है। इसी कड़ी में मेरठ में पंचायत चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। हर प्रत्याशी मैदान में और अपने जीत के दावे वादे कर रहा है। साथ ही इस बार विकास की गंगा बहाने से लेकर जनता के साथ मसीहा की तरह खड़े होने की बात भी की जा रही है। लेकिन इन दावों वादों की सच्चाई और जनता की राय जानने के लिए हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही, जहां हमारी टीम मेरठ के सुरूरपुर इलाके के पंचाली गांव में पहुंची, जहां समाजवादी पार्टी के नेता से भी हमारी टीम ने जाना कि वो इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके उन मुद्दों पर जनता क्या कहती है। इस पूरे मुद्दे पर हमारी टीम ने सभी लोगों से बातचीत की, क्या कुछ कह रहे हैं लोग और प्रत्याशी, हमारे संवाददाता की बात आइए सुनिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अपने जोरों शोरों पर है। तमाम प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम इस वक्त पहुंची है वार्ड 12 में। मेरठ का वार्ड 12 है। इस वार्ड के अंदर करीब 9 प्रत्याशी मैदान में हैं और 12 गांव पड़ते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस वार्ड से जो टिकट दिया है, वो शख्स मेरे साथ हैं, उनसे ही उनके बारे में जानेंगे किस तरीके की वो राजनीति करते हैं और कैसे पहले समाज सेवा करते रहे, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ जनता मौजूद है उनसे भी राय लेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, किस तरीके का प्रत्याशी, किस तरीके का नेता अपने क्षेत्र में चाहते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूँ, ये बताइए, आप ये बताइए आपका नाम क्या है? तौसीफ। तौसीफ, ये बताइए किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं, क्योंकि आप जिस इलाके से आते हैं, ये इलाका काफ़ी मशहूर इलाका इसलिए कहा जाता है, यहाँ व्यापार भी बड़े स्तर पर हो रहा है, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं या ग्रामीण कह सकते हैं, वो अपने में व्यापार करते हैं। और दूसरी बात ये, यहाँ से मंत्री भी रहे हैं, कई चर्चाओं में रहा है, विकास के लिए बातें की जाती हैं, आप क्या चाहते हैं? बस कैंडिडेट ऐसे चाहिए जो विकास करता हो देश क्षेत्र में जी, और विकास की जरूरत है यहाँ सब लोगों को, सब बैकवर्ड गांव हैं सब, या इन्हें विकास की जरूरत है, बस ये बात है। बिल्कुल विकास की जरूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरीके का कैंडिडेट होना चाहिए आपके क्षेत्र में? इसी तरीके का होना चाहिए जो गांव का विकास करता रहे, अपने क्षेत्र में घूमता रहे लगातार कंटिन्यू 5 साल तक। ऐसा नहीं है जीतने के बाद वोट बेक की और अपना अपने काम धंधे में लग गया, जो था पिछली बार छुर से था विपिन दालियान, उसने ऐसे ही करा 5 साल तक पूरे क्षेत्र में। ऐसा नहीं कि 5 ली में, पूरे क्षेत्र में कहीं भी कुछ भी करने का काम नहीं करा उसने। शिवा, वोट बेचने वाला क्या 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 सिस्टम है, क्या खेल है भाई? ये क्या नाम, जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा बनता है। अब जो क्या नाम, जो इन्होंने क्षेत्र मतलब जो पैसा खर्च करा चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जीत लिया, चुनाव जीतने के बाद जो इन्हें पैसा मिला वहाँ के भाई, उसे कुलविंदर को समर्थित करना था, मतलब जाकर के अध्यक्ष पद के लिए, वहाँ वहाँ के लिए उन्होंने वोट बेक दिया अपना, बेकने के बाद। ये बताइए, ये बड़ा सवाल है, बड़ी बात है, जो जनता होती है वो अपने प्रत्याशी को चुनती है जिला पंचायत के लिए, लेकिन जो जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद वो अपनी मर्जी से चाहता है और जहाँ चाहता है वहाँ चला जाता है, वोट बेच देता है, जो जनता है वो ठगा महसूस करती है। जनता से कभी नहीं पूछता प्रत्याशी जो जीत जाता है कि उसको किस जगह जा करके जिला अध्यक्ष, जो पंचायत का अध्यक्ष होता है उसको वहाँ सपोर्ट करना है। पूर्व में देखा गया, अतुल प्रधान थे, पहले आप ही की पार्टी से थे, लेकिन उसके बाद कुलविंदर आ गए, आप ना चाह करके भी उसको नहीं रोक पाए। सबसे पहले इस पर अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। इसके बारे में हम बता देना चाहते हैं कि आपने कहा भी कि वोट बेच देते हैं, उसकी डेफिनेशन बताइए, किस तरीके से वोट बेची जा रही है? वोट बेचने का तो सवाल ये है कि जो प्रत्याशी चुनाव में जीत कर आएंगे, और हम भी प्रत्याशी यहाँ पर घोषित हैं, तो हम भी अगर जीत के आएंगे इंशाल्लाह, हम उम्मीद है पूरी, तो हम लोगों के बीच में रह करके हम वोट बेचने का काम इसलिए नहीं करेंगे, वो हमारी अपनी मर्जी होगी, पार्टी की मर्जी होगी, जो हमें कैंडिडेट अच्छा लगेगा उसको चुनेंगे और उससे अपने विकास का, अपने क्षेत्र के लोगों का जितना भी विकास हो सकेगा, चाहे सड़क का हो, नालियों का निर्माण हो, स्कूल का हो और वगैरह, नल का हो, चाहे आवास का हो, वो जो भी हम अपने माध्यम से, अपने जो है चुनाव के इसके जो प्रत्याशी के माध्यम से, तो सदस्य के माध्यम से, हम चाहेंगे जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा विकास हम अपने क्षेत्र में करा सकें उसको कराने का पूरा काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक बार अपना परिचय सबको दीजिए और आपका जो जो पास्ट रहा है, किस तरीके का रहा है, आप नेता रहे या समाज सेवी रहे, कैसे आपने क्या किया, थोड़ा परिचय जनता चाहती है, दर्शक चाहते हैं। मेरा नाम माजी चौहान है और समाजवादी पार्टी से मैं पिछले 2012 में पार्टी का लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष भी रह चुका, और उसके बाद में पार्टी में लगातार काम भी कर रहा हूं, और उसके बाद अभी भी हम चुनाव से पहले माननीय राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, तो उनसे हम मिले हैं, और मिलने के बाद में पहली तारीख में
तो हमने बताया कि चुनाव कुछ लोगों की मनसा है कि आप चुनाव लड़िए जिला पंचायत का, तो इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें कहा कि ठीक है आप चुनाव लड़िए, हम आपको पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे और पार्टी को कार्यालय पर हमें ये आदेश भी कर देंगे और आप मेहनत से चुनाव जीत का आइए, हम आपकी पूरी सेवा। पार्टी ने आपको टिकट दिया है, बहुत सारे ऐसे लोग लाइन में लगे थे जिनको टिकट नहीं मिल पाया, तो ऐसे लोगों को आप सबसे ऊपर आए हैं इस क्षेत्र की बात करें, तो आपकी क्या प्राथमिकता है, क्या कराना चाहते हैं अपने इलाके में? मैं अपने इलाके में सबसे पहले तो जो भी हमारे आसपास के क्षेत्र की जो सड़कें हैं, जो खरंजे हैं, जहाँ पर बुरा हाल है, चलने में बड़ी दिक्कत होती है, जो नमाजी लोग होते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, वो बाइक से उन पर छींट पहुंच जाती है, तो सबसे पहले हम काम निर्माण का कराएंगे, सड़कों का कराएंगे और खरंजे जहाँ पर जितनी आबादी में अंदर गाँव में हुए उसका निर्माण कराने का काम करेंगे। उसके बाद जो भी गंदगी का काम होगा कहीं भी होगा उसको सफाई वाला भी अभियान शुरू होगा, और उसके बाद जहाँ भी सरकारी नल हो या आवास हो या उससे अदर जो है हमारे जो है क्या नाम है तुम्हारे? अच्छा, मुझे ये बताइए माजिद जी, सड़कें और ये तमाम चीज़ें ये मूलभूत सुविधा होती हैं जनता के लिए, तो होनी भी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य शिक्षा ये बड़ा मुद्दा है, और तमाम जो बड़ी बड़ी सरकारें भी आती हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, वो कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आपके क्षेत्र में मैं काफ़ी समय से घूम रहा हूँ, कोई बढ़िया स्कूल या बढ़िया कॉलेज या फिर कह सकते कोई जो बढ़िया अस्पताल नहीं है, हो सकता प्राइवेट हो लेकिन प्राइवेट से जनता को कोई खास लाभ होता नहीं है, तो आप इस क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही सवाल किया, शुक्रिया आपका। यही समस्या हमारे यहाँ बहुत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जब भी कोई घटना या कोई बीमार अगर हो जाता है तो हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जो हम उसको यहाँ पर ट्रीटमेंट जल्दी से करा लें, वो उसके लिए हमें मेरठ में जाना पड़ता है और मेडिकल तरह अगर उधर दूर जाना पड़ता है, यानी पूरा मेरठ पार करके तब हम अपने मरीज को ले जाते हैं। तो मेरी भी सोच ये है, सबसे पहले तमन्ना मेरी ये है कि हम अपने करीबी में आसपास क्षेत्र में कोई ऐसा हॉस्पिटल बन जाए जिससे कि हमारे गरीब लोगों की उसमें जो है एक अच्छा सा ट्रीटमेंट भी हो जाए और जल्दी से उसको मरीज को दिखा भी पाएं। तो आपका इसमें किस तरीके का योगदान रहेगा? आप कह रहे थे कि दिल्ली तक भी हम लोग हेल्प करते हैं, लखनऊ तक हेल्प करते हैं। अच्छा, पूर्व में सरकार भी अखिलेश की रही, आप लोगों ने हालांकि कुछ मैंने देखा कि जो फीडर हैं बिजली विभाग के वो बने हैं, कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, ये इलाका इस इलाके से इस खासकर इस गांव से एक मंत्री भी रहे हैं, तो ये इलाके वंचित कैसे रहे? काम तो काफ़ी हुआ है, तो आप इस तरफ क्या करेंगे? हमारे जैसे सिवाल खास के विधायक जी थे हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम कराए, जैसे तुम्हारे बिजली घर का हो और फीडर हो और तुम्हारा जो है अस्पताल भी हो और उससे अदर जो है सड़कें वगैरह भी हों, इंटर कॉलेज भी बना, ये पांचली की बात जो बता रहे हैं वो पांचली हो गया, हाँ वो चालू बराबर काम चल रहा है, तो इसलिए उसमें विकास तो हमारे विधायक जी ने भी काफ़ी बहुत कराया है और इंशाल्लाह आपको क्या आपको लाभ मिलेगा, आपकी पार्टी द्वारा जो काम कराए गए हैं क्षेत्र में क्या आपको लाभ मिल पाएगा उसका? बिल्कुल मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि जो भी अधूरे काम हमारी पार्टी के रह रहे हैं उसको पूरा कराने का काम इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, सब भाइयों मिलकर काम करेंगे, विधायक जी के माध्यम से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से, तो जो भी अधूरा हमारा काम रह रहा होगा कहीं भी किसी भी क्षेत्र गांव में वो पूरा काम कराने का इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। तो जो आप ये दावे वादे कर रहे हैं आपने मीडिया के सामने के, जनता के सामने के, माजिद भाई मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जब अगर आप बनते हैं, मैं चाहूँगा बन जाएं, आने वाले टाइम में जब यहाँ आप काम करेंगे मैं एक बार आपसे पूछूंगा आपने क्या किया और क्या नहीं किया। रमजान का महीना चल रहा है, कोई झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 12 के जो प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं अखिलेश यादव, कह रहे हैं अखिलेश यादव के कहने पर ही ये मैदान में उतरे हैं और मैदान में उतरने के बाद जो इनके अपने दावे वादे हैं वो बताए हैं। हालांकि ये किस तरीके से आने वाले टाइम में पूरा करेंगे, हालांकि ये अगर बनते हैं तब भी पूरा करने की बात कर रहे हैं, अगर नहीं बनते हैं, चूंकि अखिलेश यादव जो कहा जाता है विकास पुरुष के नाम से मशहूर हैं इस इलाके में, खासतौर से काफ़ी विकास उनके लोगों ने कराया है, सड़कें बनाई हैं और यहाँ से एक हाईवे निकलता है, करनाल हाईवे उन्हीं के नाम पर दर्ज है। ऐसे में देखना ये भी होगा कि किस तरीके से आने वाले समय में अपने जो दावे वादे हैं उन पर पूरा उतरेंगे और इस इलाके में विकास कराएंगे। अपने सहयोगी तस्लीम राणा के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।